question answers. Neetu, what will you say about Apurva Rai? Pehle, यार अपूर्वा ने तो ऑलरेडी मुझे फ्लैट कर दिया. उनकी हाइट इतनी अच्छी है, मैं हमेशा से सोचती थी कि ब्यूटी पेजेंट्स के लिए हाइट चाहिए होती है. सो वन राउंड शी इज ऑलरेडी क्लियर्ड. बाकी लोग तो जो भी बोले, बट अपूर्वा यू गॉट एन अमेजिंग हाइट एंड आई विश यू गुड लक. यू विल एटलीस्ट क्लियर योर हाइट राउंड. आपको ये सवाल वापस जोर से रिपीट करना पड़ेगा. तुषार के बारे में, सी तुषार के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब हमेशा हर साल वो एक ऐसा सरप्राइज दे जाते हैं जो एक्चुअली सोचा नहीं था. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो ब्यूटी पेजेंट्स यू कैन जस्ट ड्रीम अबाउट इट. जब आप सोचते हैं, हर लड़की का एक सपना होता है बेसिकली कि मुझे सुपर मॉडल बनना है और ब्यूटी पेजेंट में जाना है. बट तुषार एक इतना अच्छा काम करते हैं कि वो सिर्फ एक नॉर्मल लड़की को भी यू नो एक ऐसा मॉडल बना के खड़ा कर देते हैं. मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि ये गलत बात है, ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है. बेस्ट तो नहीं कह सकती, बट आई थिंक ही इज़ द बेस्टेस्ट. बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है एक इंसान, एक स्पेशली एक लड़की के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना. क्योंकि आप जो मैं हमेशा से हमारे इस इंटरव्यू में हमेशा से बोलती आई हूँ, अब तो शायद मैं फेमस हो गई हूँ उस चीज़ के लिए, कि मैं हमेशा बोलती हूँ तुषार को कि एक एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए आप ऑर्गेनाइज करिए, और उन्होंने काफ़ी हद तक किया. तो आई थिंक ही इज़ गॉट माई ऑल द रिस्पेक्ट. सो तुषार के लिए तो एक ही वर्ड है, और उसके साथ साथ एक और चीज़ है, गुड लक. लेकिन नीतू जी एक बात बताइए, बेस्ट खुश अच्छी नहीं लगती? मैं इनकी बात कर रहा हूँ, तुषार हालीवाल की. अच्छा, तुषार की है. सब मैरिड वुमेन्स को सबको सपोर्ट करते हैं, खुद कब शादी कर रहे हैं? तो मैरिड वुमेन्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ एक्चुअली तुषार का ही है. क्योंकि मिसेस इंडिया कैसे आता है, वंस अ वुमन इज मैरिड ऑफ कोर्स. तो तुषार की शादी जब होगी तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा. आप लोगों से कहाँ छुपने वाला है कुछ, जितना छुपा लो. बट यू गाइस, हो सकता है कि मैं ही बता दूँ तुषार की शादी के लिए. थैंक यू, वेरी गुड. सो बेसिकली एवरी ईयर जिस तरीके से हम लोग अपने कंटेस्टेंट या अदर कंटेस्टेंट को इंटरनेशनल पेजेंट के लिए भेजते हैं, तो इसी तरीके से आज हमारे बीच है अपूर्वा राय, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल पेजेंट पे, जिसका नाम है मिसेस यूनिवर्स. तो मैं अपूर्वा जी को ही बुला लेता हूँ. अपूर्वा जी प्लीज. यस, सो अपूर्वा राय आज ये जा रहे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने मिसेस यूनिवर्स में, जो पैजेंट होने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका कोरिया में इन दिसंबर. अपूर्वा जी, आजकल एक ट्रेंड निकल पड़ा है कि जो शादीशुदा औरतें हैं वो पीजेंट पे जा रही हैं. आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला, आपको कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? See, even before marriage, I had dreams to, you know, represent our country in international level. Even I tried then in 2016, I was a participant and finalist for Miss India 2016. And I'm very fortunate that even after marriage, I'm getting chance to represent my country in international level. That is, which is happening in South Korea. I'm really glad and I'm happy for that. And this opportunity I got from Tushar and team, I'm so happy. Thank you so much. Apurva ji, aap apne bare mein kuch bataiye, aap kya cheez karti hain, kya aapko pasand hai, kya na pasand? Yeah. Okay, I'm Apurva. I'm from Mysore, Karnataka. Married to Pavan Shetty, and I have a 3-year-old kid. He's a baby boy. And professionally, I'm a clinical cosmetologist and a business woman. We have multiple businesses. I like to, you know, be a businesswoman also, but this is my passion. So I want to, you know, live my dream. That's why I'm participating in this. How did you got in touch with Archana Tomar and Tushar Dhaliwal? Yeah. How did you got in touch with them? I saw all these websites. I always used to, you know, go through all these. Is there anything related to Mrs.? And I got in touch with Tushar and Madam. They were really good. I got good support from them, and today I'm here. Tushar ji, aapko
तो वो एक चीज मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि हमें क्वीन के साथ साथ एक बिजनेस वूमेन भी मिली है, और जो मदर बिल्कुल नहीं लगती हैं, और ये हमारे लिए भी एक बहुत खुशी की बात है कि 2016 फेमिना मिस इंडिया के अंदर ये टॉप 5 विनर में थे। आप ये बताइए कि आज के और अन्य आपके मुख्य मेहमान कौन हैं, उनसे मिलाइए। सो हमारे साथ हैं फर्स्ट पवन शेट्टी जी, तो ये अपूर्वा जी के हस्बैंड है। यस बेटा हाफ, यस सर, नाउ इज ऑल अप टू यू, आई एम लीविंग द स्टेज। मिस्टर शेट्टी, टेल अस अबाउट समथिंग अबाउट यू। My name is Pawan Shetty. Basically, like Apurva has briefed, we are into business. I'm a businessman from Mysore. We are into multiple businesses. And when I talk about Apurva, Apurva always had a dream to represent India internationally. So she was a finalist of Femina Miss India 2016. So though she is doing excellent in her business, she is a very hardworking woman. She's a wonderful mother, but with that there was something missing that she wanted to do. It was striking inside that mere ko ye karna tha, ye karna tha, ye karna tha. And when we were sitting and talking, we came across Mrs. India Universe, and suddenly we discussed and said, see, there is something for a married woman also. It is not that a single girl or an unmarried woman only can do such things. And when you talk about Mrs. India Universe, it's also you represent the country for something related to a social cause also. Yeah, good purpose. There are many things, many good things when you talk about Mrs. India Universe, and that is how I'm solid rock behind her for this. And I'm very sure that she will do wonderful in the event that is coming up in South Korea. And very fortunate to get associated with Tushar. Please come, Tushar, because we met a few people, but to reach a goal you should select the right path. Right path is very important. I think we have met the right person. Thank you so much. Tushar has been coordinating with us, and he's been very kind. He's been very supportive to Apurva, and he's been grooming her, educating her as to what is to be done. Thank you. Thank you. सब लोग को बुलाइए, पहले ग्रुप फोटो हो जाए, उसके बाद फिर बाकी लोग का इंटरनेशनल पैजेंट में रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। और अपूर्वा जिस तरह से जा रही है, क्या शुभकामनाएं उनकी अपूर्वा के लिए, और क्या कहना चाहेंगे उनके बारे? सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ये जो आपने सब्जेक्ट सवाल किया है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे इंडिया की फीमेल्स जो आउट ऑफ इंडिया नेशन वाइड जाके इंटरनेशनल लेवल पे जाके जो कर रहे हैं, और नॉट ओनली मिस, नाउ नाउडेज आई हियर कि मिसेस आर डूइंग मच बेटर देन मिस, और इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि हमारे इंडिया के मिसेस हुआ आफ्टर मैरिज ऑल्सो लुकिंग सो ब्यूटीफुल गॉर्जियस, एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग आर कंट्री इंटरनेशनली, एंड लॉट ऑफ पीपल आर विनिंग टाइटल्स फॉर अस ऑल्सो। तो ये सबसे बड़ी बात है। सेकेंडली, वेन शी इज़ गोइंग, आई एम एज अ प्राउड इंडियन, इट इज़ अ सो प्राउड मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडियन दैट इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट नो हमारी कंट्री की एक लड़की जा रही है और मिसेज को प्रेजेंट कर रही है, एंड वी विश ऑल द बेस्ट टू हर दैट शी गेट्स द टाइटल बैक टू आवर कंट्री वॉट एवर बेस्ट वे शी कैन डू। एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट द पीपल लाइक तुषार धालीवाल एंड द अदर्स द टीम मेम्बर्स हु आर डूइंग बेस्ट फॉर दिस टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ टैलेंट एंड सेंड देम इंटरनेशनल। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एंड फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सर। कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट के बारे में और अपूर्वा राय जी के बारे में? सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा एंड कंग्रेचुलेशंस। सो इफ़ यू एक्चुअली ट्रेस हर जर्नी, शी ऑलरेडी मेंशन दैट शी वाज विद फेमिना मिस इंडिया एंड शी वाज अ फाइनलिस्ट। फाइनलिस्ट होके भी जो इनका सपना था इंडिया को रिप्रेजेंट करना, वो नहीं हुआ, बट उन्होंने सपना देखना भी नहीं छोड़ा और सपने के पीछे भागना भी नहीं छोड़ा। ये हम सबके लिए भी एक एग्जाम्पल है दैट डोंट स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स जस्ट बिकॉज यू गेट मैरिड और यू गेट बिजी विद समथिंग एल्स और यू हैव मल्टीपल बिजनेसेस। एज शी सेड, जो आपके अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने का कोई एज नहीं रहता, एंड शी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल। वही फाइनल में वो पहुंच चुकी थी बट जीती नहीं थी, बट अब उनका जो सपना है इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। सो कुडोस टू हर, कंग्रेचुलेशंस टू हर, कंग्रेचुलेशंस टू द फैमिली फॉर बींग सो सपोर्टिव, मेकिंग श्योर दे आर पुशिंग हर, हेल्पिंग हर टू मेक हर अचीव हर ड्रीम्स, एंड आई एम श्योर शी विल मेक इंडिया प्राउड। थैंक यू। क्या शुभकामनाएं
इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना, क्या कहना चाहेंगे और क्या करना है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, एंड शी इज अ ट्रू इंस्पिरेशन. और मैं यही मानता हूँ कि सीरियसली अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहो, चाहे एज आपकी छोटी है, चाहे बड़ी है, चाहे शादी हो चुकी है, नहीं हुई है. तो मैं हमेशा से सबका सपोर्ट करता हूँ, बल्कि मैं तुषार और अर्चना के पहले भी इवेंट्स में आया हूँ जो वो हमेशा से कराते रहे हैं, और मैं आता भी रहूँगा, क्योंकि इन लोगों को देख के एक मोटिवेशन भी मिलता है और यूथ को भी मिलता है, हम लोग को भी मिलता है. और वी आर डूइंग सो वेल, सीरियसली, मतलब आगे ऐसी नाम रोशन करें इंडिया का, मैं तो यही बोलूँगा हमेशा. और कोई प्लान्स है उनके साथ काम करने का म्यूजिक वीडियो में, क्योंकि आप बहुत सारे हमेशा से अच्छे टैलेंट और अच्छे फेसेस की तलाश होती है सबको, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, इंशाल्लाह ज़रूर. थैंक यू.